15 दिन मैं मनाली रुकी हूँ, और इस 15 दिन में बहुत कुछ हो गया। कुछ नए रिश्ते बने, कुछ पुराने रिश्तों को हमने कर लिया टाटा बाय बाय। इन डिटेल अभी नहीं बताने वाली हूँ, बट 15 दिन मनाली में रुकने का कारण ये था, पहला तो जितने भी व्लॉग्स थे वो सारे एडिट कर पाऊँ, दूसरा कि मेरी पीरियड्स वाली डेट आ जाए और मैं सुकून से एक जगह पे बैठ के वो दिन काटूँ और फिर मैं अपना थर्ड फेज स्टार्ट करूँ राइड का। बट नहीं, आ ही नहीं रहा था। मतलब आई वॉज लिटरली वेटिंग कि अभी आएगा तभी आएगा, बट आया नहीं। एंड कल मैंने प्लान किया कि जो थर्ड फेज वाली अपनी राइड होने वाली है वो मैं आज स्टार्ट करूँगी। एंड गेस व्हाट, सरप्राइज। अभी कुछ कर तो नहीं सकते ना, अपना अगर बेस्ट फ्रेंड विजिट करने आ गया है तो उसी के साथ आई वॉज लाइक विशाखा, और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। वैसे भी इतने सारे रीजंस के कारण ये वाली मेरी जो थर्ड फेज ऑफ द राइड है विच इज़ जंस्कर, एंड आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड फॉर दिस। मैं मुंबई से प्लान करके आई थी कि 4 फेज में राइड होने वाली है एंड 2 महीने में राइड ख़त्म करूँगी। अभी 1 महीना तो हो गया है, अभी थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज विच इज़ अ सरप्राइज, थर्ड फेज तो मैंने रिवील कर दिया है। हाँ, बाय द वे RGB, this is Tumcha Vishakha from Amchi Mumbai and welcome back to my YouTube channel Ride a Girl Vishakha. It's been a week's time. मैं मनाली में ही हूँ एंड मनाली में एक प्यारा सा ऐसे 1 BHK रेंट कर लिया है जो कि कुछ ऐसे दिखाई देता है। इट्स क्यूट, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सफिशेंट। एंड अगर अकेले इंसान रह रहा है तो उसको और ज़्यादा क्या चाहिए। अपना खाना मैं खुद यहाँ पर बना लेती हूँ, सोने के लिए जगह है, एडिटिंग के लिए जगह है, सोफ़ा है, फ्रिज है, प्लस यहाँ पर मेंटल पीस है। एंड पता है ऐसी वाली लाइफ ना मेरे को काफ़ी टाइम से जीना था, दैट आई गो अलोन, आई रेंट अ हाउस एंड आई स्टे देयर, स्पेशली पहाड़ों में। एंड मेरे को खिड़की से भी यहाँ से पहाड़ दिखाई देता है, वो साइड की खिड़की से भी पहाड़ दिखाई देता है। फॉर नाउ आई एम ऑल रेडी, ऑल सेट। टेल बैग मैं कैरी कर रही हूँ, मेरी थाई पाउच है, इसके अंदर अपना पूरा ट्रांसफॉर्मर है, मतलब सारे गैजेट्स जो भी है मैंने ये इसके अंदर डाल दिया रहना उसके बैग में। एंड आई एम कैरिंग अ सूट केस दिस टाइम, क्योंकि सामान बाइक पर नहीं आने वाला है, मैं आराम से बाइक चलाने वाली हूँ। सब फूला फूला लग रहा है। ओके, काफ़ी टाइम हो गया मैंने बाइक नहीं चलाया है, लास्ट किया था मैंने 420 किलोमीटर, उसके बाद मैं हाथ ही नहीं लगाया। लेट्स गो, गणपति अप्पा मोरिया, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। 15 दिन बाद राइड स्टार्ट कर रही हूँ। ओ, बाइक वैसे की वैसी ही है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। अब सीन ये है कि लास्ट टाइम जो मेरा ऑडियो था वो ठीक नहीं आ रहा था, मैंने दूसरा वाला लगाया था, अडाप्टर लगाया था, मैंने मीडियम मोड लगाया बट मीडियम मोड वाटरप्रूफ नहीं है, अभी देखते कितना झेल पाता है। ये रही गाड़ी, सामान इसके अंदर अपना, अपन बाइक पे। ग्लव्स मैंने अभी पहना नहीं है क्योंकि पहले जाने के अपने को ऑफिस चालू होते ही राइड बारिश मिल गई। Come on, let's do it. सुबह से बारिश नहीं है, सुबह 7 बजे से मैं उठी हुआ और बारिश नहीं, बट कल रात को इतनी तूफान हो गई थी यहाँ पर कि अटल टनल के पहले एक लैंडस्लाइड हो गया और दूसरा लैंडस्लाइड जसपा के पास हो गया। तो फिर अभी देखो लैंडस्लाइड हो गया है तो वहाँ पर जाके मतलब नहीं, निकल के मतलब नहीं है, इसलिए मैंने मस्त एक दवाई ली और चुप चाप गप चुप आई वेंट ऑफ टू स्लीप। उसके बाद मेरे को 40 मिस कॉल आते कि बेटा लैंडस्लाइड क्लियर है, कहाँ हो तुम? बोला ओ माय गॉड, ठीक है ठीक, मैं सो रही थी और फिर मैं रेडी होकर अब निकल गई। बोलते ना हर चीज़ का सही वक्त होता है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, दिस तो मैं अभी मतलब मान ही गई हूँ। सो ये We leave for a third phase. चलो वाली राइड जंस्कर। Oh yeah. Hello ladies. मुझे लगता है कि पूरा ही पानी मिलने वाला है अभी आगे तक का। देवा। वो देखो पूरा। फाउंटेन से दिख ही नहीं रहा है, पहाड़ तो इतने क्लियर और अच्छे खासे दिखते थे, यहाँ से दिख ही नहीं रहे। क्या ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। काफी टाइम बाद मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे हल्की लग रही है वाले में बिना सामान के। इट्स लाइक वाओ, कितना सही होता है ना, मतलब सपने देखो तो पूरे होते हैं। सपना था कि मनाली में घर लेके मस्त रहूं, चिल करूं, एडिट करूं, ब्लॉग करूं। ओ वाओ, वही हो रहा है अभी। वाइल्ड एडवेंचर्स, ओ ऑफिस है ये। यार अब नसीब में ही बारिश दिखाए तो कुछ नहीं कर सकते, अब पूरा रास्ता आई थिंक बारिश में ही चलाना पड़ेगा। बाय द वे दिस इज माय फर्स्ट स्टॉप वाइल्ड एडवेंचर्स पहुंच गई, दिस इज हाउ द ऑफिस लुक लाइक, दैट्स टेंजेंट। थोड़ा आगे आना एक मिनट, अब बताओ कितना बड़ा धोखा स्कैम किया है। टेंजेंट वाज सपोज्ड टू कम ऑन द राइड विद मी, अब आई एम सेंडिंग माय यंगर ब्रदर। अच्छा, अब टेंशन के छोटे भाई आने वाले हैं, साथ रहो। हाय, हेलो सौरभ, टू योर दोस्त सौरभ मेरे साथ राइड करने वाला है, तो हम दोनों बाइक पे रह गए और दो जन है ना, और दो जन क्या होने वाला है अभी, तो मेरे से डर सा लग रहा है। बट निकलने के पहले हम लोग बाइक सर्विस करवा रहे हैं, सर्विस मतलब चेन लुक चेंज की, आई थिंक डिस्पैच भी चेंज करी क्योंकि डिस्पैच अपना चल दिया है गाड़ी का रेक, मैंने आई थिंक लेह में चेंज करवाया था और हार्डली 500 किलोमीटर चलाया उसके बाद में, बट फिर भी चेंज करना पड़ा है। नो इट्स बेटर कि कोई भी बड़ी राइड निकलने के पहले
उत्तराखंड मेरा वैसे भी नहीं जमता है। बड़ी राइड निकलने के पहले ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। यू सर्विस योर सेल्फ एंड यू सर्विस द बाइक। तब मैं करी रुद्राकमर्स फिट एंड फाइन एंड देन विल बी फ्रॉम योर। अभी ना अपना ऐसे हाल कुछ बेहाल हो रहा है, मतलब बारिश एंड स्लश दो चीज़ें जो पिज़्ज़ा छोड़ नहीं रही है। बट द गुड पार्ट अबाउट टुडे इज़ दैट लेट निकल रहे, नींद मैंने अपनी ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर ली है, दवाई ले ली है एंड आज का डेस्टिनेशन छोटा है। द ओनली थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट इज बारिश, और बारिश में इतने सारे कपड़े पहन के चलाना, जहाँ पर पैंट इतनी टाइट, वेरी कोई नहीं, बाइक पर बैठ के आई थिंक खोल के चला। और जो मैं रेनकोट पहनने के बाद क्या हाथी जैसे लगती है, मिनी पैंडाइटिस। सोनम को बोलना आगे चलने के लिए, बाय, मिलते हैं। गाड़ी का सारा सामान, फ्यूल अप, ठीक है? हाँ जी, 240। नज़ारे देख रहे हो, नज़ारे, ओ या बेबी। अभी सीन ये है कि सीन बढ़िया है, बाइक पे मैं बैठ गई हूँ तो दर्द चले गया है। अभी आई थिंक ये होगा, ऐसे होता है ना, मतलब अगर मैं अभी घर पे बैठी रहती ना, आई वुड हैव जस्ट स्टार्टेड क्रिबिंग के यार दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, नहीं चला पाऊंगी, ये नहीं वो नहीं। बट जैसे ही बाइक पे बैठ जाती ना, बस फुल। बट वही कि आज अपना डे वन है पीरियड्स का, और वो जो वाइब्रेशन है ना, वो तो जाते अड़तड़ी याद तक अपने। ओ भाई, अटल टनल आने वाला है। रोहतांग जा रहा था यार, मेरे को पता है कितनी चुल मची थी रोहतांग जाने की, बट मैं रोहतांग जा ही नहीं पा रही हूँ। और अभी ऐसे भी हो रहा है कि बाइक्स वहाँ पर अलाउड नहीं है शायद रोहतांग लेके जाने, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। मतलब ये साल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लैंडस्लाइड्स हुए हैं यहाँ पर, एंड अराउंड 45 डेथ्स इन अ मंथ इन हिमाचल इटसेल्फ। सब इधर उधर हो रहा है ये बार। बट यस, फाइनली वी आर डूइंग जंस्कर। जंस्कर बोलते, जंस्कार बोलते, जंस्कर बोलते, ऐसा लग रहा है मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। ओ बाय द वे, अ बिग शाउट आउट टू वाइल्ड एडवेंचर्स जिसने ये ट्रिप मेरी सॉर्ट की हुई है, लाइक माय थर्ड फेस, फुल्ली एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। आई लाइक रिलाइंग ऑन देम नाउ, नॉट अ रैली, एंजॉय द वैली ब्रो, इट वर्क ब्रो, यू गाइस आर द बेस्ट। बाय द वे, नेहरू कुंड है ये, येरा नेहरू कुंड। यहाँ पर पानीपुरी वाला है अंकल जो कि एक नंबर पानीपुरी बनाता है, और यहाँ पर लोग आते हैं नेहरू कुंड से पानी लेके घर लेके जाते हैं। वैलेंटिनो तो रॉसी वाले टर्न्स आ रहे हैं यहाँ पर। गाड़ी ना स्किड हो रही है पीछे पीछे से, स्लिपरी रोड, स्लिपरी रोड, स्लिपरी रोड। ये जो सामने वाला हेयरपिन बैंड है ना, यहाँ पर मिलती है मैगी एंड कॉफ़ी, मैं यहाँ पर आई थी। वो मतलब वहाँ पर जाने का ही क्रॉस करके अंदर बैठने का, मैं सोनम अंकल ने चेयर वेयर लगाया हुआ और फिर इसका व्यू लेने का। काफ़ी टाइम बाद भी गाड़ी पे बैठे ना, तो हाथ बिठाने को टाइम लग रहा है। ये देखो लॉन्ग स्लाइड, एक मिनट खड्डे फील हो रहे। ओवरटेकिंग टाइम पे तो बिल्कुल भी घाई नहीं करने का, क्योंकि इतने ब्लाइंड कर्व्स है ना, और अचानक से गाड़ी और ऐसे रूह निकल जाएगी तुम्हारी। लॉन्गेस्ट जिप लाइन, यहाँ पर ना हॉट एयर बलून भी है, बट अभी बारिश में कौन सा ही हॉट एयर बलून लगने वाला है क्या मालूम। पहाड़ों में जिस तरीके का ट्रैफिक जाम होता है ना, ऐसे होता है, ट्रक वर्क से नहीं होता है, लड्डू से ट्रैफिक जाम इट इज। हेलो क्यूटी पाइज, नो 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 नो, एक तो हॉर्न बजाने को भी ये लोग के पास डर लगता है, बेचारे से बचक ना जाए, बचक के आड़ा टेढ़ा रास्ते पे भागते हैं ये लोग। ये सोलन वैली, यहाँ पर होती है स्कीइंग, और इसके ऊपर एक मंदिर भी है। ओ भाई, हल्का सा लेफ्ट में जो पहाड़ है ना, उसमें से ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ये देवा काय थे। बहुत सही वाली लग रही है, मतलब वो सिक वाली लग रही है एकदम, बीमार वाली, बीमार कर दे अच्छा से इंसान। अटल टनल इट इज, बताओ क्या है अब। खाली है, खिलोंग खाली है, खाली है पूरा, पूरा खाली है। हाँ, यहाँ पर दिखता है ना वरना नमक, ठीक है। आज ये रहे, ओह गॉड, इंडिविजुअल सवाल के दिया मैं कुछ दे, इसको ना खाली है तो हाँ बोलता है। स्टॉपेज इन टनल कैन बी स्टॉपेज इन मनाली जेल, ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रुकने वाले, लेट्स गो। टनल क्या बन गया, ये लग्जरी हो गई है, एक्चुअल वाली लग्जरी। इसके अंदर वो गैस सिलेंडर पेट्रोल अलाउड नहीं है ना, इसलिए वो लोग चेक कर रहे थे कि ये खाली है ना। पता नहीं क्यों आज टनल एकदम सब खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ छोड़ के जा रही हूँ पीछे। हाँ यार, ऐसी फील आ रही है मेरे को सडनली टनल के अंदर, ये कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा बट क्या है। And we did it! Yeah! एक नई दुनिया, हो इतने टाइम तो अंदर थे ना टनल के अंदर, तो ऐसे लग रहा था भाई कुछ खाने आने वाला है, अभी सफोकेशन टाइप हो रही थी मेरे को अंदर। हम लोग जाने वाले लेफ्ट कारगिल की तरफ, कारगिल जाएंगे बट दूसरा रूट लेके, ट्रेडिशनल रूट नहीं,
welcomes you to Lahol and Spiti. Kelang 37, Udaipur 75. Nahi. Kelang ke niche jo Udaipur likha hai wo maine padha hi nahi hai. Na. Chance hi nahi hai ki humar jana hai. Humar sukha hai pura. Wahi na. टनल क्रॉस करेंगे मनाली साइड जाएंगे तो बारिश, टनल क्रॉस करके सिसु साइड आएंगे तो नो बारिश. ब्यूटीफुल इट इज. लाहौल में आपका स्वागत है. क्या सिक वाटरफॉल है वो. चलना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए. हम लोग एक छोटा सा लेक है यहाँ पर, वहाँ पर जा रहे हैं. डी रूट. अब मजा आ रही है मेरे को. सोरम की भी मेंटालिटी आई थिंक मैच हो रही है. रास्ते में सब देखते देखते जाएंगे. ओह माय गॉड, सामने देखो क्या वाओ. ये कहाँ निकलते जा रहे हैं हम. ये कैफे वैफे भी यहाँ पर. इतनी बार मैं यहाँ से पास हुई पर मैं कभी नीचे नहीं आई. ऊपर से वो रोड से जाके देखते हाँ टेंट वेंट लगे हुए हैं. कभी आके रहेंगे और कभी आना होता ही नहीं है. ठीक है हेलीपैड. देखो एक बात तो तय है, मैं और सोनम की जमने वाली है. आई टेल यू व्हाई. इसने एक डी रूट ले लिया है. मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ रास्ते पे चला के जाना है. मतलब जो भी चीज लेफ्ट राइट में दिख रही है वो भी तुम देखते जाओ. बाय द वे हम लोग जहाँ पर वो है सिसु एंड यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो मैं पिक्चर में एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज में देख रही थी. मुझे जाने का वहाँ पर बहुत ज़्यादा मन है बट क्या है ना वहाँ पर जाके चलना पड़ेगा एंड चलने का फिलहाल मेरा कोई मन नहीं है. अभी बाइक जाती तो वहाँ पर पक्का जाते हैं बट वी आर प्लानिंग दैट ऑन द वे व्हाइल कमिंग बैक शायद वो दिखा दे. जो ये वाटरफॉल है ये जो एक हिंदू गॉडेस है काली माता जो बोलते हैं हिंदू में तो उसी का ही एक रूप आता है जो बुद्धिस्ट में जिसको हम लोग पालदेन लामो बोलते हैं. तो ये उस गॉडेस को ये रिजेंबल करता है. ये वाटरफॉल दिस वाटरफॉल. हम लोग इंटरव्यू भी ले लीजिए मैडम. इंटरव्यू ले लूं. आप गाइड थोड़ी हैं हम लोग का. आपको लगा मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ क्या. ओ गॉड यूट्यूबर. दैट्स द राइट वर्ड. न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूं मैं. बताओ यूट्यूबर. यूट्यूबर हां सही बोला. बताओ सही बोला ना. हम लोग आजकल यूट्यूबर का जमाना है. नहीं हम लोग या प्रेस रिपोर्टर है आप इसलिए बोल रहे हैं. नो हम प्रेस रिपोर्टर है. हां हम लोग ये सोचा है. नहीं, कौन नहीं, सा नहीं, प्रेस रिपोर्टर ऐसे कपड़े पहन के आया. कैमरा ड्रेस नहीं कैमरा से जैसे आप फीडबैक इसे ले रहे थे ना. हाँ. तो हम सोचे कि वो बहुत अच्छा ये जन्नत है. ये ना यहाँ बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है. हम लोग सोचा नहीं था कि इतना अच्छा है. आप लोग आए कहाँ से हो. हम लोग आए हैं बिहार से. कैसे आए बिहार में. हम लोग कार से आए. अभी दिल्ली है. दिल्ली है. दिल्ली में हम लोग 50 लोग आए हुए हैं. 50 लोग आए हुए हैं. अभी हम लोग रोहतांग से रिटर्न आ रहे हैं. कैसा था रोहतांग. बहुत अच्छा. हम लोग टॉप पर गए थे. टॉप में थोड़ा सा बर्फ मिला हम लोगों को. मिला. अभी भी है रोहतांग में बर्फ. बहुत ही अच्छा. ऊपर 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 में है. ऊपर में कौन स्कूटी कौन गाड़ी से. वो जो गाड़ी होती है ना एटीवी. एटीवी जैसी ना. यार सोनम ये बार अपना रोहतांग रह गया. यहाँ रोहतांग बाय द वे रिटर्न जब हम आएंगे. बट रोहतांग में गाड़ी जा सकती है अपनी. वो स्पेशल परमिशन से. बाइक्स के लिए अलाउड नहीं है पर उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे जो एसडीएम है. नॉट पॉसिबल. ऊपर नहीं आ पाओगे. नहीं पॉसिबल है. नहीं नहीं बट मेरे को जाना है. बाय रिक्वेस्ट हम लोग अरेंज करके किसी से जाना है. स्पेशल जो गाड़ी है स्पेशल गाड़ी तो हमारी भी आ रही है. अब तो पालू पर चलती है ना वो गाड़ी. क्या है सामने हमारी. देखिए एटीवी. एटीवी की बात कर रहे हैं लोग. रास्ता ना कुछ फिर भी चलाया जा रहा है. वो गाड़ी बनी वो चीज के लिए ना. हाँ एकदम. आप लोग कहाँ से. मैं मुंबई. मुंबई से आए. तो एक्चुअली क्या है जो यहाँ पे एक टेम्पल है तो उसमें जो जो वहाँ का जो देवती है वो राजा गेपन बोलते हैं हम उसको. तो राजा गेपन बेसिकली क्या है यहाँ पे ये लाहौल पूरा जो वैली है इसका जो जो मेन देवती है तो इनको राजा गेपन बोलते हैं. तो ये सबसे हेड है कि ऑलमोस्ट 14-15 एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है तो उतने ईयर्स के बाद निकलते हैं यहाँ लाहौल वैली से वाया रोहतांग होके मनाली को आएंगे. फिर मनाली से ये मलाना विलेज जाते हैं. ओके. तो उसमें पूरा विलेज इनके साथ चलता है. तो इनका जो एक स्पेशल एक रथ होता है तो वो चलता है साथ में. और उसके बाद ये पालकी जैसे. हाँ पालकी सेम टाइप पालकी वैसा ही नहीं चलता है. और मलाना में जो देती है वो इनके ब्रदर लगते हैं. ऑलमोस्ट 14-15 मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को पर उतने इयर्स के बाद ये वहाँ जाके उनसे विजिट करके आते हैं. गॉड देयर आर टू मेनी स्टोरीज हियर. ये मुझे नहीं पता था. हम लोग ऐसे फ्लाई बाय देते ऊपर है रास्ता वहाँ से जाते नीचे देखते हाँ कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा यहाँ पर. फ्लाई बाय दो चल दो बट इट्स गुड. हेलो. अच्छा बाय द वे हमारे साथ मेरा हफ्ते भर ये भी रहना. इनका नाम अर्जुन है. इनका नाम क्या है. रोहित. आप हमारे लिए खाना बनाने वाले हो. तो पता है हम लोग बैकअप गाड़ी कैरी की इसको खोल सकते हैं क्या हल्का सा. हमारे बैकअप गाड़ी में बताती हूँ तुम लोगों को क्या है. रहने का खाने का पीने का भी है क्या. पीने का भी मिल जाएगा. सारा सामान लेके जा रहे हैं.
ये रहा मिनी किचन, सामान, लगेज, टेंट, स्लीपिंग बैग और क्या ऑक्सीजन का भी है ना कुछ, जनरेटर है, ऑक्सीजन है, मतलब लाइट वाइट की है नहीं, चलता फिरता घर हम लोग लेके चल रहे हैं साथ में, तो मतलब यू कैन स्टे एनीवेयर. दिस इज गोइंग टू बी रियल वाइल्ड एडवेंचर्स विद वाइल्ड एडवेंचर्स. यहाँ पर ना एक्चुअली रास्ते में देखते देखते मैं आ रही थी कि जिप लाइन ही करना है. फिर यहाँ पर देख लिया, यहाँ से ही लोग जा रहे हैं जिपलाइन करते हुए, लाइक फ्रॉम राइट देर. कीड़ा बिन गोइंग फॉर जिपलाइन. सेफ्टी फर्स्ट स्क्वाड, एकदम कच नहीं बांधना, एकदम टाइट. ये मैं अपने आप को टॉर्च कर रही हूँ. ओह नो 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 नो, चर्बी कम नहीं है मुझे ऐसा लगता है कभी कभार, चुल भरी पड़ी है. रेडी to the good days. This is a mistake. I know I'm tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't really need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let. Say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chase all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let. ऐसा लग रहा है मैं जी रही हूँ बंद कमरे में, मैं घूट रही थी. फाइनली व्हेन आई ऑन बाइक ट्रैवलिंग डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स फन. दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, ट्रैवल. एंड बाय द वे आज का दिन का मोमेंट वाज द ज़िपलाइन मोमेंट फॉर मी. बाय द वे जो ज़िपलाइन का कॉस्ट है वाज 500 रुपीज आना जाना. अच्छा अगर वाटरफॉल जाना है तो ये ज़िपलाइन क्रॉस करो, वाटरफॉल पहुंच जाओ, वाटरफॉल घूम कर आओ और फिर वापस ज़िपलाइन से आ जाओ. नॉर्मली लोग यही करते हैं. आई लव लाहौल. बाय द वे ना आज पहली बार मैंने ऐसे टैम्पॉन्स पहना है. नॉर्मली आई वेयर सैनिटरी पैड्स ना. मेंस्ट्रुअल कप मैंने ट्राई किया था बट मेंस्ट्रुअल कप मेरे से पता नहीं झेपता नहीं है. आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. बट इफ एनी गर्ल वॉचिंग दिस, आई थिंक टैम्पॉन्स इज प्रीटी मच कम्फर्टेबल. फर्स्ट टाइम ही पहना है मैंने ना, अभी अच्छा लग रहा है, सब पता ही नहीं चल रहा है कि टैम्पॉन्स है या पीरियड्स में हूँ मैं, क्योंकि सैनिटरी पैड में पता चलता है ना ऐसा चिपक चिपकता है और ये ऐसा अंदर मस्त फिक्स हो गया है. ओ वाओ हार्ट शेप है ये. टेक केयर ऑफ द हेल्थ, जान है तो जहान है. नाइट राइड तो ये बार मैं अवॉइड ही करने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए, भले सिर्फ 40-50 किलोमीटर चलाऊँ मैं दिन में, बट रात में तो चलाऊँगी ही नहीं, क्योंकि घर वाले लोग ने मुझे इतना मस्त ऐसा सुनाया, समझाया, लेक्चर दिया था ना वो मेरे सारे पिछले व्लॉग्स देखकर, कर क्या रही है तू, रात में क्यों चला रही है, दिन की कमी थोड़ी है, आराम आराम से जा, आराम से घर आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर पता चला कि तूने नाइट राइड की है तो अभी वापस रिटर्न, वापसी का टिकट कटवा. तो भाई ऐसा कुछ करना नहीं है, डर जाते यार घर वाले भी, मतलब ये बार एडवेंचर करेंगे तरीके से करेंगे. राइडिंग गियर्स पहनी थी ना तो मेरे को चलाने नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा पूरा वो लग रहा था, गच लग रहा था. सिसू माय फेवरेट प्लेस. ये वाले स्ट्रेच में कितने सारे वाटरफॉल है, बीच में एक बड़ा गड्ढा. टंडी 19, मजा आ रही है मेरे को चलाने को. गणपति भी आने वाला है, पमोरिया रे बप्पा मोरिया रे. पता नहीं ये बार मैं गणपति अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं. अब मेरे लेफ्ट में एक बहुत विशाल पहाड़ है, लाइक इतना बड़ा, और वो ग्लेशियर में से निकल रहा है पानी, एंड इतना मजेस्टिक तो मैंने देखा नहीं है. ओ माय गॉड, डोसा इडली वड़ा खाके जमाने हो गए, पराठे पे जिंदा है. वो वाला ग्लेशियर और पानी वाला जो है वो. लेट्स गो सम हेयरपिन बेंड्स. ओह या, वन मोर, लेट्स डू इट.
वो साइड का माहौल ख़राब होते जा रहा है। वहाँ पर मेरे को ग्लेशियर्स दिख रहे थे दिन में। अब अंकल ने सुना ना, बोला था कि रोहतांग में बर्फ है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जब रोहतांग में बर्फ नहीं रहती है? जब देखो तो बर्फ है, रास्ते खराब है, ये है वो है। आई थिंक वो सबसे डिफिकल्ट पास है। बाई द वे विकास है नहीं अपने ये राइड पे, मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बट मुझे उसको गाली देने का भी उतना ही ज़्यादा मन कर रहा है। वो दो हफ्ते पहले ही घर चले गया था शादी से, दादी ना शादी नहीं करने का बाप भैया, इसमें तो फंसना ही नहीं है। ओह माय गॉड, एनीबॉडी हू वांट्स टू गो टू किलाड़ किश्तवाड़, नो नो नो, कभी नहीं जाना है। अब जगह सीधा किला 9 किलोमीटर से, किश्तवाड़ यहाँ से 240 किलोमीटर से, वही रूट जब अपन करके आए थे ना, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड वाला जो रूट है वही है। किलांग पहुंच गए। मसकली स्क्यूडीज क्रॉसिंग, मसकली एक्सक्यूज मी प्लीज, ओ लिटिल खराब रोड, ओ नो, जान जाना ढूंढ तुझे दीवाना, खराब रास्ते, आई गो आई आई गो। ब्रीद 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 डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग डीप। खड़े रह के चला सकते इधर, अगर मैं सोच रही हूँ कि इधर बैठ के चलाना है मुझे तो पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर नीचे पूरी आगे पीछे हो गई पूरी। बार बार ना हाथ में अपने पेट पर रख रही हूँ, क्या ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, लोग दिल पर रखते हैं, मेरे को पेट पर रखना पड़ता है। हार्डली कितना 70 किलोमीटर ही चला है। अब ये वाले रूट से तुम ले जाओ या तुम ज़ंस्कार जाओ, बीच में पेट्रोल पंप तो कहीं नहीं मिलने वाला, सो केलोंग इज द लास्ट स्टॉप फॉर पेट्रोल पंप। जेरी कैन में मैंने भरा नहीं है क्योंकि हमारी जो बैकअप व्हीकल है वो बैकअप व्हीकल के अंदर वे कैरिंग लाइक 10 लीटर्स के दो कैन शुड सफिशिएंट, क्योंकि जो ज़ंस्कार वाला जाने वाला ट्रेल वुड बी अराउंड 250 और 200 किलोमीटर्स और, वो जाके मुझे एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कितना है एंड आने का भी उतना, तो आई थिंक हो जाएगा। आई जस्ट रियलाइज कि जो मेरी पेट की जो सेंसेशन है वो चले गई है, मैं कुछ फील ही नहीं हो रहा है सडनली, ऐसा होता नहीं है। बीच में रह रहे के क्राम सारे, बट देयर इज़ नो पेन। इज़ इट बिकॉज आई एम हैप्पी और इज़ इट बिकॉज है ना भाई सब ठीक अंदर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। Look at this laddu's eyes, it's one blue and one black. Do you want to exchange eyes? Exchange off? No, so one blue, one black. Usko dekho so gaya. Aisa hi hai, sabka hi hai. भर लिया मेंबर, मुझे डॉग का नाम है मेंबर, उसे खेल लिया तो किलोंग का पेट्रोल पंप ही वो रहता है। वेरी क्यूट हस्की विद टू डिफरेंट आई कलर्स, सो क्यूट ही इज। तो अभी मैं ना सोनम ने ऐसे ही डिस्कस की कि क्या करना है, तो सोनम वाला अभी जगह सनडाउन हो गया है, जैसे प्रॉमिस किया था कि सनडाउन हो गया तो अपन रुक जाएंगे नहीं चलाएंगे। तो यस, आज का स्टे जिसपा नहीं, आज का स्टे किलोंग है, टाउन रोड किलोंग। नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ओह गॉड, इसमें तो मैं खड़े बैठ ही नहीं सकती, मुझे खड़े रह के ही चलाना पड़ेगा। सस्पेंशंस अपने घुटने सस्पेंशंस की तरह काम कर रहे हैं। वाओ, दैट्स शॉपिंग शॉपिंग, अंदर की लड़की बाहर आ जाती है कपड़े देख के, सब शॉपिंग मॉल शॉपिंग मार्ट शॉपिंग की गलियां देखकर। पुलिस थाना नीचे जाना है। ओ आई थिंक मैं यहाँ पर आई हूँ, डेफिनेटली यस आई नो दिस प्लेस, मैं किलोंग में भी रुकी हूँ, मैं आई हूँ यहाँ पर, सेम होटल 3-4 साल पहले। सो स्क्वाड अ क्विक रूम टूर, मैं यहाँ पर जब हिमालयन ओडिसी था ना वो टाइम पर मैं आई थी। रूम बताने के पहले तुम लोग एक सीक्रेट जगह बताती हूँ जो मुझे पता है। सी आई न्यू, देयर इज अ कॉमन बालकनी फ्रॉम हियर जहाँ से सब दिखाई देता है। ओ वाओ, ओ आई रिमेंबर सिटिंग देयर एंड हैविंग माय चाय एंड ऑल, काफ़ी टाइम पहले। नाइस नो, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पीस। ठीक है, अब तुम लोग रूम दिखाती हूँ, मेरा वाला जो रूम है मैंने वो वाला लिया हुआ है। ऐसे कुछ दिखाई देता है अपना रूम, देयर्स अ बेड, देयर्स टीवी, वो सब तो ठीक है, टीवी की जरूरत नहीं है, वैसे भी टीवी कौन देखता है पता नहीं। राइट पे अपना सामान मैंने पूरा यहाँ पे रख दिया है, जैकेट टंगा दिए, हेलमेट वहाँ पर है, लगेज भी पहुँच गया। दिस इज हाउ द वॉशरूम लुक्स लाइक, काफी बड़ा स्पेशियस है ये, है ना, नाइस, आई लाइक इट।
ड्रोन उड़ा लिया, काम कर लिया, कपड़े चेंज कर लिए, अब मैं बैठने वाली हूँ अपनी कॉमन बालकनी में और चाय के मज़े। तुम लोग को पता है वहाँ ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, वो वाले पहाड़ पे ग्लेशियर है। मैंने कोशिश किया था ड्रोन से कैप्चर करूँ बट वो बहुत दूर है, लग रहा है नज़दीक है बट बहुत दूर है वो। ठंडी का मज़ा ले रहे बॉन फायर के साथ। बाय द वे एक्सक्यूज मी रोहित, HM, ये HM स्टूडेंट है, ये तुमने कुछ बनाया क्यों नहीं आज हमारे लिए? आज होटल में ही है, आज छुट्टी है। आज रोहित छुट्टी पे है बट इसका HM स्किल्स हम लोग पूरे ट्रिप में देखने वाले क्योंकि हमारे लिए बनाना खाना। वैसे आई कैन हेल्प, ऐसे काटने वाटने में हेल्प कर सकती हूँ, बनाना हेल्प तो करना पड़ेगा पहाड़ों में। ओह मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि बोले अरे नहीं नहीं कोई नहीं आप बैठे रहना। बट यार वी आर हैविंग सम नाइस पोटैटो चिली एडिटिंग विद बॉनफायर। टॉयलेट्स बन गए। ये लोग किसकी बात करें बताती हूँ, इसके आगे जो हम लोग जाने वाले ना रूट वो गोमरंजन पुरने एंड पदुम वाला, उसमें बीच में ऐसे वाइल्ड वाली एडवेंचर करने की प्लानिंग है ना, तो ये टू मच वाइल्ड हो जाएगा। इतना वाइल्ड नहीं कर रहा है मैंने, थोड़ा लोकल टॉयलेट भी, लोकल टॉयलेट है वहाँ पर, लोकल टॉयलेट अभी लास्ट टाइम तो बन रहा था, अब तक तो रेडी हो गया रहेगा। बट हमने तो कैरी किया है ना वो, तो पिच करना और उसको करना वो एक अलग टास्क, अलग टास्क है। मतलब खुले में जाओ गाना गाओ, नहीं प्रॉपर बन गया है। मुझे ऐसा लग रहा है खाना ज़्यादा हो रहा है, मैंने एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, तुम ले लो। और डायरेक्ट अब डिनर पे, डिनर के पहले मेरी स्नैक्स हो गई ना, वो आलू खा खा के मैं आलू बन गई हूँ। बट मैं सूप पीने वाली हूँ एंड देयर इज सम अमेजिंग राइस पेपर रोल, एवरीथिंग इज वेज। तुम्हें ये बनाने आता है रोहित? क्या सीखा फिर तुमने? क्या यार सिड्डू बनाने आता है वो मेरे को सिखा देना यार। I wanna learn how to make that. इसको डेकोरेट इतनी अच्छी तरीके से किया है ना, ऐसा लग रहा है मीठी चटनी को ऐसे फुल गार्निशिंग। दुबई डिश, टेंशन के क्या है स्कूल फ्रेंड के भाई जो दुबई में शेफ थे वो अभी यहाँ पर आ गए और उन्होंने ये डिश हमारे लिए बनाया हुआ है। सुशी जैसा लग रहा है, ओह सॉफ्ट, ओह चाट लग रहा है और ये इमली की है चटनी। हो गया डिनर, बहुत कुछ आएगा। नहीं यार इस तरह तो खा ही नहीं पाऊंगी मैं। सुनता है ब्रो। अच्छा एक मुझे बात बताओ, आप लोग तो क्या खिला खिला के मारने वाले हो हमको? आपको इतना क्यों खाना आ रहा है, मतलब हो गया डिनर? मांसाहारी लोग अपन जा रहे भगवान के घर, तुम खाने वाले हो? ऐसे ब्लैकमेल करने वाले उनको। चिकन बनाया भगवान ने और इंसान बना के सबसे बड़ी गलती कर दिया, जानवर ही ठीक थे। हाय सोनम, वेज ग्रुप कैसा लग रहा है? फिलहाल के लिए नहीं नहीं, भगवान के पास जा रहे हैं, वो भी नहीं खाने वाले। भगवान के पास नहीं जा रहे भाई, अभी टाइम है हमारे को। नहीं भगवान की यात्रा पे निकले, भगवान के पास नहीं जा रहे, सॉरी टेक माय वर्ड्स बैक। AMS हिट कर रहे हैं अभी। अगर आप लोग को लग रहा है मैं किलोंग में बैठ के खाना खा रही हूँ, डिनर कर रही हूँ, तो ये गलत है। ये कोई 5-7 star होटल है जहाँ पर फ्राइड राइस, स्टार्टर, सूप, राइस पेपर रोल एंड देन सम डेजर्ट। चल क्या रहा है यार ये, आई थिंक सपना है, पता चला उठ के कहीं मैं वाटर क्रॉसिंग में पड़ी हूँ। मेरा कहाँ है? ओह माय गॉड, कौन सा केक है? कैरेट केक। इतने देर में बाहर बैठी थी बालकनी में, अब छुप छाप इज्जत में मैं रूम में आ गई हूँ क्योंकि ठंड बढ़ने लगी है और मेरा हाथ नाक आँख सब आँख, हाँ मतलब वही टैम्पॉन्स में बैठने नहीं होता है देवा। ठंडी हो चुकी है पूरी, अभी खाना पिलेगा, खाना वाना मस्त वाला मैंने खा लिया है, अब बैठने वाली हूँ, अपना ट्रांसफॉर्मर ओपन करने वाली हूँ यहाँ पर और शुरू करने वाली, देखो चुल वाली जो राइड है, फेस 3 वाली जांस्कर वाली राइड विथ रुद्र विथ योर गर्ल रेडिकल विशाखा, वो शुरू हो गई है। सो एज ऑलवेज दिस इज रेडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। आई एम गोना सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग, पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। देखो रीच अपने कम है, मतलब इतना मेहनत कर रही हूँ मैं फिर भी पता नहीं रीच क्यों कम आ रहे, तो प्लीज़ खुद देखो, परिवार को दिखाओ, दोस्तों को दिखाओ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, देन कीप काम एंड गे ऑन टक मोर पार्ट यू। फुट का होल डिक करना बस गंगोरंजन में, इतना सा होल डिक कर लो बस आप। ये लोग मुझे डरा रहे पता है, साल की वर्कआउट है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। हाँ तुम लोगों बड़ी हंसी आ रही है, हाँ, हमने किया हुआ। मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं रोक के रखूंगी, मैं डायपर लेकर आऊंगी, डायपर इट इज। तो उस टॉयलेट में जाना, एक ही कंडीशन, नीचे नहीं देखना, ऊपर देख के बोलिए। नहीं मेरे ड्राई टॉयलेट्स में गई, पूरा नीचे ऐसे मस्त मैदान बना हुआ रहता है, ऐसे माउंटेन 40 माउंटेन होता है, ओह शिट, अलग अलग कलर के।
अच्छा होल्ड मत करना,